गुड मॉर्निंग ऑल. आई एम डॉक्टर गीतांजलि भट्ट, वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉमर्स डिपार्टमेंट. इन टुडेज सेशन आई विल डिस्कस द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स. लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल कवर द टॉपिक्स मीनिंग, डेफिनेशन, एलिमेंट्स, ब्रांचेस, नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स. नाउ स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स. अब मैं आपको बताऊंगी कि इकोनॉमिक्स है क्या. इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी कंसर्न विद द एलोकेशन ऑफ स्केयर्स रिसोर्सेज इन सच अ मैनर डेट कंज्यूमर कैन मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फेक्शन, प्रोड्यूसर कैन मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट एंड द सोसाइटी कैन मैक्सिमाइज इट्स सोशल वेलफेयर. इकोनॉमिक्स है क्या. इकोनॉमिक्स का मतलब है हमारे पास लिमिटेड मीन्स हैं, अनलिमिटेड वॉन्ट्स हैं. उन लिमिटेड मीन्स और अनलिमिटेड वॉन्ट्स में से हमें अपने नीड्स को फुलफिल करना ही इकोनॉमिक्स कहलाता है. ये एक सिंपल लैंग्वेज में है. एग्जांपल के लिए, जैसे एक पर्सन की अर्निंग 20,000 है मंथ में. अब वही 20,000 में उसे ये डिसाइड करना है कि उस 20,000 में उसने रेंट भी देना है, ग्रॉसरी भी लेनी है, अपने एक्सपेंसेस भी करने हैं. इस तरह लिमिटेड मीन्स में हम अपने वॉन्ट्स को कैसे फुलफिल करते हैं उसको इकोनॉमिक्स कहते हैं. अब हम बढ़ते हैं इकोनॉमिक सर्कल. इकोनॉमिक सर्कल क्या है. लिमिटेड रिसोर्सेज और अनलिमिटेड वॉन्ट्स के बीच में जब स्केयरसिटी की प्रॉब्लम आती है तो उसको इकोनॉमिक सर्कल में कवर किया जाता है. नाउ मूविंग ऑन टू द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स. जैसे कि हर एक टॉपिक के लिए हर किसी पर्सन का व्यू अलग अलग होता है, वैसे ही हर एक इकोनॉमिस्ट ने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है. जैसे एडम स्मिथ, जो कि कहे जाते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, उन्होंने इकोनॉमिक्स को एज अ साइंस बोला है. इकोनॉमिक्स एज अ साइंस ऑफ वेल्थ. उनका कहना है कि इकोनॉमिक्स केवल वेल्थ है. वेल्थ का कलेक्शन करना, मीन्स कि वेल्थ मतलब क्या है, इनकम. इनकम का कलेक्शन करना, संचय करना ही क्या है, इकोनॉमिक्स है. और उनकी एक फेमस बुक है क्वेरी इन टू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, जो कि 1776 में पब्लिश हुई है. वो भी सब इकोनॉमिक्स के बारे में ही बताती है. वहीं दूसरी ओर मार्शल, मतलब व्यू बिल्कुल डिफरेंट था इकोनॉमिक्स को लेके. उनका कहना था कि इकोनॉमिक्स क्या है, स्टडी ऑफ मैन इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ. इकोनॉमिक्स को केवल उन्होंने वेल्थ से नहीं, उन्होंने वेलफेयर से भी जोड़ा है. उनका कहना है कि इकोनॉमिक्स केवल इनकम कलेक्ट करना नहीं है, उसको किस तरह हम यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं, वो इकोनॉमिक्स कहलाता है. जहाँ एक ओर उन्होंने वेल्थ से उसे जोड़ा है, दूसरी ओर वेलफेयर से उसे जोड़ा है. और उनकी एक फेमस बुक है जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कि 1890 में पब्लिश हुई है. अब हम चलते हैं एलिमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स. दो बेसिक एलिमेंट्स हैं इकोनॉमिक्स के, जो कि है स्केयरसिटी और चॉइस. जब स्केयरसिटी होती है उसी के बाद चॉइस की प्रॉब्लम अराइज होती है. स्केयरसिटी का मतलब है इट इम्प्लाइज अ सिचुएशन व्हेन सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज इज लेस देन डिमांड फॉर रिसोर्सेज. जब हमारी डिमांड एक्सीड कर जाती है सप्लाई को, उसको स्केयरसिटी कहा जाता है. और जैसे ही स्केयरसिटी होती है तो वैसे ही चॉइस की प्रॉब्लम अराइज होती है. चॉइस मीन्स चॉइस इज द रिजल्ट ऑफ स्केयरसिटी. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेलेक्शन फ्रॉम अवेलेबल अल्टरनेटिव्स. इट इमर्जेस बिकॉज रिसोर्सेज आर स्केयर्स एंड रिसोर्सेज कैन बी एलोकेटेड टू अल्टरनेटिव यूजेस. चॉइस की प्रॉब्लम इसलिए अराइज होती है क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज तो बहुत लिमिटेड हैं और उनके यूज़ भी अल्टरनेटिव हैं. एग्जाम्पल के लिए, जैसे हमारे पास लैंड है. लैंड का मल्टीपल यूज़ है. हम लैंड को प्रोडक्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए भी कर सकते हैं, और किसी तरह हम वहाँ पे हॉस्पिटल वगैरह कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. तो इसके मल्टीपल यूज़ है. तो इट्स डिपेंड ऑन अस कि हम कैसे अपने रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं. सो चॉइस की प्रॉब्लम इसलिए अराइज होती है क्योंकि हमारे यूज़ क्या हैं, अल्टरनेटिव हैं. तो जिसको हम प्रायोरिटी देंगे, हम उस चीज़ को वहाँ पे यूज़ करेंगे. तो जहाँ पे जैसे ही स्केयरसिटी होती है, वैसे ही चॉइस की प्रॉब्लम अराइज होती है. नाउ विद द नेक्स्ट स्लाइड, ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स. अब हमारे टू मेन ब्रांचेज हैं इकोनॉमिक्स के, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू माइक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स इज डेट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स विच डील्स विद द इंडिविजुअल पार्ट ऑफ अ सिस्टम. जब हम एक इंडिविजुअल की स्टडी करते हैं उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं कि माइक्रो में आई से मतलब है इंडिविजुअल का, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल. और माइक्रो वर्ड हैज इट्स ओरिजिन इन ग्रीक वर्ड माइक्रोस विच मीन्स स्मॉल. ये जो वर्ड माइक्रो आया था वो ग्रीक वर्ड है माइक्रोस से आता है, जिसका मतलब होता है स्मॉल. माइक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड द स्टडी ऑफ डिमांड थ्योरी, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. ये कुछ थ्योरीज हैं जो कि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में
पढ़ते हैं। तो माइक्रो मीन्स है इंडिविजुअल, इंडिविजुअल की स्टडी करना है स्मॉल लेवल में, उसको माइक्रो बोला जाता है। वैसे ही सेकेंड ब्रांच है मैक्रो इकोनॉमिक्स, इट इज़ रेड पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडीज़ द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। जब हम पूरी इकोनॉमी की स्टडी करते हैं उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स बोला जाता है। जैसे कि मैक्रो में आप ए देख सकते हैं, ए का मतलब है एग्रीगेट। एग्रीगेट मीन्स जब हम स्टडी करते हैं पूरी इकोनॉमी की एज अ होल, उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। इट डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड मैक्रोस विच मीन्स लार्ज। ये भी एक ग्रीक वर्ड मैक्रोस से आया है जिसका मतलब होता है लार्ज, बड़े लेवल में। इट इंक्लूड द स्टडी ऑफ नेशनल इनकम, एग्रीगेट आउटपुट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट। जब हम इकनॉमी में नेशनल इनकम की बात करते हैं, एग्रीगेट आउटपुट की, अनएम्प्लॉयमेंट, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेचर ऑफ इकनॉमिक्स। इकनॉमिक्स का नेचर कैसा है? इकनॉमिक्स को एज अ साइंस भी कहा जाता है, इकनॉमिक्स एज अ साइंस। इट इज़ अ सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ नॉलेज, इट फाइंड्स आउट द रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। इकनॉमिक्स का मतलब है साइंस। जब हम किसी रिलेशनशिप देखते हैं किसी चीज़ में, उसका कॉज और उसका इफेक्ट, लाइक एग्जाम्पल के लिए प्राइस और डिमांड, प्राइस बढ़ रहा है, ये एक कॉज है, उसका इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? डिमांड में। इसको हम पॉजिटिव साइंस में लेके आएंगे। पॉजिटिव साइंस मीन्स पॉजिटिव साइंस व्हाट इज़, व्हाट वाज, व्हाट विल बी अंडर द गिवन सर्कमस्टेंसेस। इट इज़ बेस्ड ऑन नॉन वैल्यू जजमेंट। हम किसी चीज़ का जजमेंट नहीं लेते हैं, बट हम इसमें देखते हैं कि क्या चीज़ हो रही है, कैसे हो रही है। हम ये सिर्फ सर्कमस्टेंसेस देखते हैं कि जैसे कि डिमांड, प्राइस राइज हो रहे हैं, उसका इफेक्ट डिमांड में पड़ रहा है। वैसे ही नेक्स्ट वन इज़ नॉर्मेटिव साइंस। नॉर्मेटिव साइंस डील्स विद द सिचुएशन ऑफ वैल्यू जजमेंट और कंडीशन ऑफ व्हाट ऑट टू बी। इसमें हम ये देखते हैं कि क्या हो सकता है, हम इस चीज़ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन द वैल्यू जजमेंट, व्हाट ऑट टू बी, क्या किया जा सकता है। ये नॉर्मेटिव साइंस में कवर होता है। और नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट। इकोनॉमिक्स को आर्ट भी कहा गया है। जैसे इट इज़ अ सिंथेसाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन सोल्यूशन टू वेरियस इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। जब एक प्रॉब्लम की स्टडी कर रहे हैं और उसके सोल्यूशंस को हम निकाल रहे हैं, तो वो हम कवर करते हैं आर्ट में। इकोनॉमिक्स को आर्ट इसलिए कहते हैं जब किसी प्रॉब्लम की स्टडी करके उसके सोल्यूशंस निकलते हैं। जैसे एम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा इंडिया में राइज हो रहा है, तो वो क्यों राइज हो रहा है, इसका हम सोल्यूशन इस पर निकालेंगे। तो नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स में तीन चीज़ें कवर होती हैं, इकोनॉमिक्स एज अ साइंस, इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट, एंड उसको दोनों भी कहा गया है, इकोनॉमिक्स एज अ साइंस एंड आर्ट। नाउ दिस इज़ द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स चार्ट, जिसमें हम इकोनॉमिक्स में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में चीज़ें जो कवर करते हैं वो है थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइजिंग, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइजिंग एंड थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइजेज में डिमांड एंड सप्लाई की स्टडी, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइजिंग में रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट की, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर में प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड इकोनॉमिक एफिशिएंसी की। और वहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो स्कोप है उस पर हम लोग चीज़ें कवर करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, नेशनल इनकम, मनी, इंटरनेशनल ट्रेड, एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल, फिस्कल पॉलिसी और मॉनिटरी पॉलिसी, जिसका मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट सेशन में दूंगी, जो नेक्स्ट क्लास हमारी रहेगी। थैंक यू।